Hello guys, good morning and once again welcome back to our channel which is Green Accounts Official. So आज है 15 नवंबर, जैसा कि आपको पता है कल अकांक्षा का बर्थडे है और बहुत सारा प्रिपरेशन हम लोग करना है। और अब देखिए मेरा चेहरा, सुबह से परेशान हूँ, काम पे काम, इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करना था, पूरा फेडअप हो चुका हूँ काम से। ऊपर से अभी और भी ज़्यादा काम है, आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि मैं कितना टेंशन में हूँ, कितना थक गया हूँ। बट एनी वे, थोड़ा स्पेशल फील करवाना है आकांक्षा को, तो इतना तो बनता ही है। और अभी मैं चल रहा हूँ, 4 बज चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ आकांक्षा के लिए केक लाने के लिए। एक्चुअली नाइट में भी एक केक कट करना है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अभी। और वो निकली भी है ब्लैंकेट लेने के लिए पापा के साथ, क्योंकि उसका भी कुछ स्पेशल करना है इस बार की वो, और नाइट में वो भी प्लान किए कि स्टेशन पे जाके जितने भी गरीब लोग वहाँ पे हैं, स्ट्रीट साइड लोग जो भी होते हैं, सोए हुए रहते हैं, उनके पास ब्लैंकेट नहीं होता है, ठंडे में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो भी एक अच्छा सा प्लान सोच के रखी है करने के लिए। तो पापा के साथ निकली भी है वो ब्लैंकेट लेने के लिए, और मैं जा रहा हूँ केक लेके। ये केक सरप्राइज है, बिकॉज उसे कुछ पता नहीं है, मे बी मम्मी अलग से लेके आई, अनदर थिंग। बट मुझे जाना पड़ेगा लाने के लिए और मैं भी निकलने वाला हूँ। और ये देखिए हमारा पेंटिंग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो चलते हैं अभी केक लेके आते हैं, फिर उसके बाद मैं भी जाके फ्रेश फ्रेश होऊंगा, बिकॉज सुबह से मैं पूरा प्रिपरेशन में लगा हूँ। छत पे पूरा डेकोरेशन का काम चल रहा है, पूरा पंडाल वंडाल का काम चल रहा है, इसके वजह से मैं अभी बिल्कुल थक चुका हूँ, क्योंकि यहाँ करने वाला कोई नहीं है और आकांक्षा का बर्थडे, तो आकांक्षा से कांट डू एनी थिंग। तो अब मुझे पैम्पर करना है तो खुद से करना पड़ेगा। तो चलते हैं उसके बाद। गाइस, मुझे गिफ्ट लेने भी जाना है। एक्चुअली मैंने 1 महीने पहले ही एक ज्वेलरी वाले को ऑर्डर किया था आकांक्षा के बैंगल्स के लिए, तो वो भी कैसा मैं आपको दिखाऊंगा। और एक रिंग भी है, तो वहाँ से भी डिलीवरी लेना है मुझे, तो वहाँ भी जाना है। तो फ्रेश होके मैं मतलब कि निकलूँगा, अभी प्लान है पहले केक जाने का। अगर उधर ट्रैफिक मिल गया तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा एंड देन रेडी होके जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर उधर से साथ में लेके आ जाऊँगा। तो फिर गिफ्ट तो मैं आपको कल ही दिखाऊँगा, चलता हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, बिकॉज बहुत सारा प्लान है कुछ डिफरेंट करने का। और रात में एक मिडनाइट केक भी कट करना है, उसके लिए भी थोड़ा कुछ सेटअप चाहिए। तो गाइस देखिए, ब्लैंकेट भी हम लोग ऑलमोस्ट लोड कर चुके हैं गाड़ी में, सारा ब्लैंकेट लोड हो चुका है और हम लोग अब निकल जा रहे हैं, निकल रहे हैं मतलब स्टेशन की तरफ। और साइड रोड साइड में भी जो भी होंगे सबको बांटते हुए निकलेंगे, तो देख सकते हो आप। अभी बज रहा है रात का 9:30 और हम लोग जा रहे हैं कंबल डिस्ट्रीब्यूट करने, बिकॉज कल टाइम नहीं मिलेगा और अब लेकर आ गए, तो आज ही करना सही रहेगा और रात में ही पता चलता है कि किसको नीड है किसको नहीं। तो गाइस, जैसा कि आकांक्षा का प्लान था कि इस वक्त बर्थडे में कुछ डिफरेंट करने का, तो आई हुई है यहाँ छपरा स्टेशन पे, देख सकते हो छपरा स्टेशन पे आई हुई है वो। और यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं जो भी, तो उसको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आई हुई है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये एक अच्छा कदम है गरीबों के प्रति, अपने बर्थडे के टाइम पे 101 पीस ब्लैंकेट लेके आई। मैं दिखाता हूँ आपको आकांक्षा यहाँ पे है मेरे साथ, और मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली, बट अच्छा चलिए फिर। और सब लोगों को पहले से पता है कि मैं कुछ दी, तो आकांक्षा का ये बहुत बेहतरीन कदम है गरीबों के प्रति, अपने बर्थडे पे दिन। तो देखिए सबको बांट रही है आकांक्षा, ले आओ ले आओ, पता नहीं है, और बहुत ही बेहतरीन कदम गरीबों के प्रति अपने जन्मदिन के अवसर पे, इट्स रियली ब्रिलियंट है। चलो
सारे चलो था। कमर कमर दिया था कमर ओढ़ लो तो पापा दे रहे हैं जितने भी लोग कोई है ना उनको दिया जा रहा है तो हम लोग खोज खोज के दे रहे हैं जो भी जरूरतमंद है अभी ये अंकल सोए हुए नींद से तो सुबह उठ के देखेंगे तो खुल तो जाएंगे देखो तो जगह है कमर लीजिए कमर हेलो देखो कांटा हलेगा कांटा में भीतर घुस गया उड़ा दीजिए ये कोई ले मत जाए ना ना हम लोग आए हुए हैं छपरा मेन सिटी में खोज खोज के दे रहे हैं एटीएम के पास में सोए हुए हैं देखो दिखाओ ना कमर उड़िएगा उससे मतलब नहीं है ले लीजिए और लीजिए और लीजिए आप टेंशन मत लीजिए आज इसका जन्मदिन है ना आपको उसी की खुशी में दे रही है पापा है हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है ये और लीजिए बच्चा ना ठीक है ठीक नहीं रुकिएगा जरा हमको डर लग रहा है क्यों डर लग रहा है हमको लग रहा है कि डैमेज है वो तो बत्ती बढ़ रहा है नहीं नहीं डरने वाला बात नहीं है आप ओढ़िए इसको रखिएगा देखिएगा कोई लेगा नहीं कचहरी स्टेशन के अंदर जा रहे हैं कांशा रही है और मैं जा रहा हूँ अंदर में जो भी है ये देखते हैं देखो कैसे जूम करके ले रहे हैं देखो सुनील ऐसे जूम करेंगे कचहरी स्टेशन में भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने सबको दे दिया अभी देखते हैं नेक्स्ट कहीं कोई रास्ते में मिलता है तो फिर देते हैं तो फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुके हैं और अभी भी कुछ बचा है थोड़ा बहुत तो वो कल कर लेंगे मॉर्निंग में मंदिर जाना है तो और अभी लग रहा है कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है अंदर से अच्छा लग रहा है हाँ और ब्लैक कैट डिस्ट्रीब्यूटर के आ चुके हैं और कंचा भी आ गई है गई भी है वॉशरूम और अभी टाइम हो चुका है 11:30 रात का बज चुका है और जैसे ही वॉशरूम से निकलेगी हम लोगों ने एक नाइट केक जो कट करना है उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा है तो जैसे वो आती वो करते उससे पहले कि मैं भी जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ थोड़ा और बाकी फिर दिखाता हूँ 12 बजे के बाद कंचा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नाइट केक मम्मी भी लेके आई और हम भी लेके आए तो उधर हाँ उधर अरेंजमेंट हुआ हुआ है सारा चलिए दिखाते हैं तो कंचा का अभी केक काटेंगे इसके पिताश्री वहाँ बैठे हुए हैं केक खाने के चक्कर मिलने का समारोह स्टार्ट नहीं हो रहा है
सेलिब्रेशन था मिडनाइट का, जैसा कि आपने देखा। और अभी पिक्चर बाकी है कल का, तो कल और भी अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ऑलरेडी सारा प्रिपरेशन हो चुका है, बाकी जो डेकोरेशन का काम वगैरह है सब थोड़ा सा पेंडिंग है, वो कल हो जाएगा। और ये रही कांचा, सी इज डूइंग समथिंग। तो हम लोग चले सोने के लिए, बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, फिर हम लोग को मंदिर भी जाना है। और अरे हम काले नहीं है जो लाइट चला रहे हो यार, गोरे लड़के, काले लड़के जो रहते देखो। और ये पीछे भी हम लोग ही हैं, देखिए। तो देख रहे हैं कांचा को, यहाँ पे मेरी बर्थडे गर्ल यहाँ पे सोई भी है। और कल तुम्हारे लिए बहुत सारा सरप्राइज़ वगैरह भी है, लेकिन अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, कल बताएंगे। तो कल बताते हैं आपको। और झारखंडी वाला डांस करोगे क्या लुंगी पहन के? हाँ, लुंगी पहन के झारखंडी वाला, झारखंड स्टाइल में तुमको कल सरप्राइज देंगे। एनीवे बहुत रात हो चुकी है, अभी हम लोग सोएंगे, फिर कल हम लोग अर्ली मॉर्निंग जाना है मंदिर में, क्योंकि इसको देवी माँ का दर्शन करना है। देख लीजिए पूरा गाल में हाइड्रा का कमाल है। नहीं हम अच्छा, तो ऐसे नहीं है मेरा गाल, अच्छा ऐसे भी है, लेकिन हाइड्रा फ्री का हाइड्रा। कुछ बोलो अपने बर्थडे में कुछ स्पेशल क्या बोलना है। हाँ, विश यू अगेन अगेन एंड अगेन हैप्पी बर्थडे। तो आकांक्षा, तो कोई जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नहीं, मतलब स्पेशली आकांक्षा का ही आइडिया था कि कुछ गरीबों को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत बार करते हैं, बट ऐसा व्लॉग नहीं बनाते हैं। मेरे साथ फर्स्ट टाइम किए हो, इससे पहले तुम्हारे पापा रेगुलर करते थे। हाँ, पापा रेगुलर करते हैं, सब कोई रेगुलर करता है। आपके साथ भी किए हैं मंदिर में कोलकाता में, बट हम लोग कभी हाँ व्लॉग नहीं बनाते थे, बिकॉज मेनली इस बार तुम मतलब पर्टिकुलरली हाँ एग्जैक्टली हम अपने पैसे का मतलब स्पेशली जो मेरा खुद का पैसा था उसको लगा के जो भी किए हैं सो किए हैं। तो अभी वो सब इतना डिस्क्लोज ये नहीं बोल के कोई फायदा नहीं है, फिर वो करना तो नहीं करना बराबर हो जाएगा, बात की बात है। बट जो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मेन मोटो जो था और हम लोग को देने से भी अच्छा फील हो रहा था, मन में शांति लगता। वो जो कोई कोई लोग तो ऐसा था कि जो सोए थे और वो मॉर्निंग में जब देखेंगे कि कोई उनको कंबल उड़ा के गया है तो और ज्यादा खुश, उनको कितना ज्यादा खुशी मिलेगा। और वो दुआ सबसे ज्यादा लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे लोग वहाँ पे तत्काल का टिकट के लिए लाइन मतलब कि रेडी थे, तो उन लोगों ने बताया कि ये लोग जेन्युइन है, इन लोगों के पास ब्लैंकेट नहीं है। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बिकॉज हमारे पास 100 ब्लैंकेट थे। अब 100 ब्लैंकेट को हम लोग कैसे, क्योंकि पहले सबसे पहले हम लोग छपरा स्टेशन पे गए, वहाँ पे तो अजीब ही हो गया था। जैसे हम लोगों ने मतलब की देने के लिए निकाला, तो सारे कुछ अच्छे घर के लोग भी आ गए थे। हाँ, बहुत लोगों ने तो चोरी करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे लोग हमको समझाया कि जो जरूरतमंद है उसको दीजिए। तो हम लोगों ने जो थोड़ा सा वो पुअर टाइप का विलेज मतलब जगह था वहाँ पे हम लोग गए, फिर पूरे छपरा में हम लोग ढूंढे कहाँ कहाँ रोड साइड में कौन है जो जेन्युइनली जिसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि हम करें और उसके पास चला जाए जो कि मतलब
उसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पाए तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ऐसे करने से तो फिर कम पड़ जाएगा और जिनको नीड है उनको मिल भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं चलो यहाँ से चलते हैं, जितने फुटपाथ में जो भी लोग सोए हुए होंगे जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, तो पहले हम लोगों ने वो अब सब हम लोग ब्लॉग में नहीं ले पाए हैं, जो थोड़ा बहुत क्लिप ले पाए हैं। ब्लैंकेट में हमारे पास 10-12 पीस है, तो वो हम लोग सोचेंगे कल कल मंदिर जाएंगे तो दे देंगे, तो वहाँ पे जो मॉर्निंग में जो रहेंगे उनको। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर सोच चुके कि ये शो ऑफ के लिए वीडियो है तो ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये एक छोटा सा मतलब मेरे तरफ से ये है कि आपको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और आप एक बार करके देखो आपको मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील होगा और कहीं ना कहीं मतलब एक शांति मिलेगा, खुशी मिलेगा जो कि बड़ा बड़ा 5-star होटल में भी पार्टी करके नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए ये मेरा बेस्ट बर्थडे था जो कि इस बार स्मॉल अमाउंट का ही हम लोगों ने लिया है, 6-7 हज़ार रुपए ही लगे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम स्टार्ट तो किया एटलीस्ट 10,000 लगा। 100 कंबल हम प्राइस भी बता दे रहे गाइस, 100 करके एक ब्लैंकेट था तो 100 पीस लिए हम लोग, तो हम लोग को 10,000 पड़ा। अच्छा 7,000 रुपए हम लोग दिए, 3,000 रुपए देना था एक्चुअली, मतलब फोन ऑर्डर दिए थे हम लोग का, तो इसी वजह से। एनीवे जो भी है आप लोग भी ऐसा करिए, एग्जैक्टली कीजिए और प्लीज नेगेटिव वे में इसको मत लीजिएगा कि हम शो ऑफ कर रहे थे, इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी अगर किसी का मदद कर सके, और स्पेशली ठंडे के टाइम में कंबल बांटने का रीजन ये था कि काफी लोग ठंडे से मतलब बेसिकली हमारा जो आज का ब्लॉग था वो इसी पे डिपेंड था कि हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे। exactly. ऐसा कोई तामझाम नहीं किया ये चाहिए वो, बेसिकली हमारा यही था, सोचे थे कि हम लोग जाएंगे और ब्लैंकेट हम लोग का तो बहुत सारा कुछ प्लान था, फूड वगैरह बनवा के लेकर जाने का, बट वो कल करेंगे, वो हम लोग सोचे हैं वो कल करेंगे, सरप्राइज हो तो हम बताएंगे कल जो भी है। बट आज का जो प्लान था बस यही था कि मतलब जो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ब्लैंकेट, और फिर घर में सिंपली रात के 12 बजे आकांक्षा को बेच करके फिर केक कट करके नॉर्मली सो जाना है। तो आज का जो ब्लॉग था मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं बस यही मैटर है मन की शांति के लिए, लेकिन उसमें हम लोगों ने थोड़ा इधर उधर कहीं वगैरह ऐड कर दिया है, तो बाकी बर्थडे तो कल मनाएंगे हम लोग अच्छे तरीके से। आज तो आकांक्षा ने खुद से मनाया एक्चुअली, इसने खुद से खर्च किए, खुद से गरीबों को कंबल बांटे, तो आज तो आकांक्षा ने सारा कुछ किया, हमारा बारी कल आएगा। तो बाकी नहीं मेरे को रात को क्या, मुझे हमको देखिए मालूम तो था कि 12 बजे केक वेक कुछ तो कटेगा, वो तो हमेशा करता था, वो तो हमेशा करता है, लेकिन सेरो का बर्थडे में भी काटे हैं तो वो कोई नया चीज नहीं है। तो गाइस अच्छे से आप लोग भी रहिए, और हमको अपना बर्थडे मतलब बहुत पसंद। तुम्हारा बर्थडे नहीं, जस्ट लाइक अ फेस्टिवल यू सेलिब्रेट। हाँ मेरे जो मोहल्ले में लोग ना मतलब मेरा बचपन से इवन 1 ईयर से वेट करते कि आकांक्षा का कब बर्थडे होगा, एक जो शादी में जैसा होता है, और इस बार का तो सबसे ज्यादा ग्रैंड है, मतलब अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा अच्छा वाला बर्थडे है ना आपके। हाँ तो अभी तक का मेरा सबसे अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। स्किन देखिए हाइड्रा का कमाल है, सब देखिए। यू मीन टू से कि मेरा स्किन नेचुरल ऐसा नहीं है? नेचुरली है, अगर अच्छा स्किन नहीं रहेगा तो हाइड्रा क्या फाइड्रा भी करा लो तो कोई असर नहीं होने वाला है। हम लोग अपने टाइम पर, और मैंने बाल भी कटवा लिया है छोटा काट दिया है जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है, करना पड़ेगा, बाल बिल्कुल छोटा कर लिया है। मैं नहीं कटाने वाला था, आकांक्षा ने कहा कि नहीं हम इनको बस बोले थे कि आप बियर्ड स्टाइलिंग कराइए, बट ये ज़्यादा अपने आप को तेज समझते हैं तो ठीक है भुगतिए, लेकिन अच्छी ही है। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इससे सीख लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा, शो ऑफ के लिए नहीं था, क्योंकि आपके घर में भी कोई स्पेशल ओकेजन। हाँ तो डेफिनेटली ये चीज करके देखिए, हल्का फुल्का हो तो गरीबों के साथ शेयर करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और हम लोग ये बहुत बार करते हैं बट व्लॉग में दिखाने का एक ही रीजन है ताकि मेरे से दो तीन लोग सीखे। कोलकाता में 2-4 कैंपेन से जुड़े हैं जिसमें कुत्ते को खाना वगैरह सब, डॉग फूड वगैरह प्रोवाइड करना। अगर आप लोग चाहोगे कि पर्सनली हम क्या क्या करते हैं, हम लोग
आपको मालूम नहीं है डेली हम लोग कम से कम 10 या 15 डॉगी को तो परमानेंट फिक्स है हम लोग का। अगर आप मेरा गाड़ी के डिक्की में देखेंगे तो मैरी गोल्ड का कम से कम आपको 4 से 5 पैकेट एकदम रखा हुआ मिलेगा। अगर हम अब तो ऐसा है कि हम नहीं भी खरीदते तो ये खरीद के रख लेते हैं कि अगर हम शाम को निकलेंगे तो मेरे को जहाँ भी डॉग दिख जाए जहाँ भी तो हम खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो हम लोग तो अगर आप चाहते हो हम लोग का ये सब चीज़ भी देखना तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे आगे से कि जो भी कुछ अलग करते हैं तो वो व्लॉग बना के दिखाएं। चलो अब सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग फिर उठना है, जाना भी मंदिर भी। और अभी कितना बच चुका है हम आपको दिखाते हैं, 2:35 हो रहा है राइट, इट्स 2:35 बिल्कुल टाइट है बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग उठना है, मंदिर जाना है, उसके बाद फिर बहुत सारे गेस्ट। और कल मेरे लिए बस पैम्परिंग डे। हां कल सारा दिन लगन से पैम्परिंग होगा, स्किन पैम्परिंग ऑलरेडी हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योति गुप्ता। हाँ जो भी छपरा से है जरूर जाए ज्योति गुप्ता के पार्लर में, उन्होंने अपना नया एक ओपनिंग भी किया है, हम लोग इनवाइट भी किया बट वी डोंट हैव टाइम टू स्टे एनी, ट्राई करेंगे, नो नो बट वी विल ट्राई टू स्टे हियर एनी मोर, आई हैव टू लीव छपरा नवंबर 18 बिकॉज आई हैव सम वर्क, सो व्हिच आई हैव दैट आई लेट मी थिंक इफ आई वांट टू स्टे देन आई विल, ओके यू स्टे कंटिन्यू, नो I don't have any problem, but anyway, guys, जाने दो क्या ही फर्क पड़ता है, बट अभी कल का वेट कीजिए, कल और अच्छा व्लॉग मिलेगा आपको देखने को, बने रहिए व्लॉग में, मेरे लिए भी सरप्राइज है एंड आपके लिए भी सरप्राइज, सो गाइस स्टे ट्यून्ड, बंदे मातरम, मेरा भारत मां।